दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा साइनाइड जिंक प्लेटिंग का। साइनाइड जिंक प्लेटिंग किस प्रकार की जाती है, साइनाइड जिंक प्लेटिंग का केमिकल इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार बनता है और उसकी सारी समस्याएं प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये न्यू नलन के लिए जो लोग नया सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत जानकारी इसमें मिलेगी आपको। जो लोग साइनाइड जिंक प्लेटिंग कराएँ उनके लिए तो ऐसा मानो कि कुछ नहीं है, वो सब जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तीन बेसिक केमिकल हम डालते हैं, जिंक ऑक्साइड। आप ये नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड होगा नंबर एक पर, नंबर दो होगा सोडियम साइनाइड और नंबर तीन पर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक भी बोलते हैं। इसके अलावा दो केमिकल और होते हैं, इसमें एक जिंक प्यूरीफायर के नाम से आता है और दूसरा जिंक ब्राइटनर के नाम से आता है। ये दोनों प्रोप्राइटरी केमिकल होते हैं, अगर आप ये डालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वालिटी बढ़िया आएगी। और अगर कोई लोकल में बताता है कि आप प्यूरीफिकेशन के लिए ये डाल लो, ब्राइटनिंग के लिए ये डाल लो, तो रिजल्ट थोड़े वेरी करते हैं, क्योंकि जो जिन कंपनियों की इस चीज़ में एक्सपर्टाइज है वही केमिकल आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा इसे हम बनाते कैसे हैं वो मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, कितना कौन सा केमिकल डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसमें हम इनिशियली जो प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी जब कोई समस्या आती है तो केमिकल कितना बढ़ाना है कितना घटाना है वो सब बाद में किया जाता है, लेकिन मैं जो आपको इनिशियल बता रहा हूँ ये आप डाल के जब चलाएंगे तो एकदम स्मूथ और परफेक्ट बात चलेगा। इसमें आप 20 ग्राम पर लीटर जिंक ऑक्साइड डालें, एक लीटर पानी में 20 ग्राम, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पानी बनाना है। 40 ग्राम पर लीटर सोडियम साइनाइड डालें और 50 ग्राम पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक, ये तो ये चीज़ें डालेंगी। अच्छा, इनको डालने का भी एक क्रम प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ड्रम में आप सोडियम साइनाइड ले लीजिए, जितना भी आपको डालना है उसके हिसाब से ड्रम फिट कर लीजिए कि भाई हमें इतना पानी बनाना है, तो वो ठीक ठाक घुल जाना चाहिए। जिंक ऑक्साइड आप एक ड्रम में डाल लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर आपने अगर एक किलो जिंक ऑक्साइड डाला तो उसमें आधा लीटर पानी डाल देंगे, उसका पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद उसमें आप 2 लीटर पानी और डालिए, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। उसके बाद जो क्वांटिटी सोडियम साइनाइड की है आपको डालनी है उसमें, एक किलो के हिसाब से उतना साइनाइड डाल दीजिए। और जब साइनाइड पूरा उसमें डिजॉल्व हो जाए उसको प्रॉपर मिक्स करने के बाद, मिक्सिंग की पहचान ये है कि हल्का सा वो ब्लैकिश कलर पे आ जाएगा और ऊपर कर दीजिए। ये करने के बाद जब पूरा घुल जाए उसमें कास्टिक डालिए और पूरा डिजॉल्व होने के बाद आप उसको टैंक में जिसमें हमें प्लेटिंग करनी है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसी रेशो में आपको जितना ज़्यादा केमिकल बनाना है उस हिसाब से आप बनाइए और टैंक में ट्रांसफर करें। अब इसमें जो हमें प्यूरीफायर डालना है वो डालना है 4 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में 4 ml डालने के बाद पूरे पानी को आप हिलाइए, उसको एजिटेट करिए मैनुअली और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कास्टिक होता है इसमें पानी गर्म हो जाता है, तो हम
सेम डे प्रिंटिंग नहीं कर सकते, हमें 8 से 10 घंटे उसको ठंडा होने के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो उसमें आप ब्राइटनर डालेंगे, ठंडा होने के बाद ब्राइटनर भी 3 से 4 ml पलेटर डालेगा। वो डालने के बाद आप इसमें प्लेटिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें एनोड जिंक मेटल का जो एनोड रहेगा वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मीन्स उसकी प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर इम्प्योरिटी रहेगी, फॉर एग्जांपल लेड की इम्प्योरिटी ज़्यादा रहती है, तो आपको प्लेटिंग में आगे जब आप प्लेटिंग में पैसिवेशन करेंगे या आगे उसको कलर देंगे तो उसमें स्पॉट या धब्बे आने की संभावना रहती है। तो आप जिंक के एनोड अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये पूरा जैकबैट तैयार हो गया, इसमें आप प्लेटिंग कर सकते हैं। वोल्टेज आप इसमें 8 से 12 वोल्ट तक अकॉर्डिंग टू आइटम, जो भी आइटम है, अगर आपका बहुत हल्का आइटम है तो 6 वोल्ट पे भी प्लेटिंग आ जाएगी, अगर आपका बहुत बड़ा आइटम है तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकली चेक करके और उसमें करंट को सेट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी प्लेटिंग चालू हो गई। अब बात आती है प्रोसेस सीक्वेंस की, कि भाई हमें प्लेटिंग कोई आइटम है तो हम उसकी प्लेटिंग कैसे करें। देखिए, कोई भी आइटम आप लेंगे उसके ऊपर हल्की सी चिकनाई ग्रीस या कोई भी मशीन से बना हुआ आइटम होता है तो उसके ऊपर हल्का सा लुब्रिकेंट लगा होता है। तो लुब्रिकेंट को हटाने के लिए आपको पहले इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के बहुत तरीके हैं। कुछ लोग अगर हम टैंक में प्लेटिंग कर रहे हैं तो हम क्लीनिंग लगाते हैं, एनोडिक क्लीनिंग, कैथोडिक क्लीनिंग, इसके भी प्रोप्राइटरी केमिकल आते हैं, केमिकल के कोई भी केमिकल आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में मिलती हैं, जिस क्षेत्र से भी आप हैं वहाँ पे जो भी कंपनी सप्लाई कर रही है उनका केमिकल आप देखें, आप जो है उसको सो क्लीनिंग करने के बाद आप उसे क्लीनिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर सो क्लीनिंग में वो क्लीनिंग साफ़ हो जाती है तो डायरेक्टली हम उसको टैंक में ले सकते हैं। एसिड पिकलिंग करनी पड़ेगी, मीन्स हल्का सा सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हमें लेना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हल्की सी पिकलिंग करने के बाद इसको हम वॉशिंग करने के बाद टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्लेटिंग होने के बाद जब हमें लगेगा कि प्लेटिंग इसकी हो गई है तो इस परफेक्ट आ गया, ये करीब 15 से 20 मिनट और अकॉर्डिंग टू दैट थिकनेस, अगर कोई पार्टी कहती है कि हमें इतनी थिकनेस चाहिए तो वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने देर में कितनी थिकनेस आएगी और उसमें हम किस प्रकार से थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीस टैंक से निकालने के बाद वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग के बाद हम 2% नाइट्रिक एसिड का डिप करेंगे। नाइट्रिक एसिड का 2% का स्वरूप बताएंगे, मतलब कि 20 ml/L उसमें डिप करेंगे। उसमें डिप करने के बाद तो सादा पानी में धुलाई करेंगे, उसके बाद में जो डिप होता है, सपोज जो आपको येलो कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए, तो डिप आपको बनाना पड़ेगा। डिप ज़्यादातर येलो और ब्लू चलता है, जिसको ब्लू वाइट बोलते हैं। तो ब्लू वाइट कलर जिस कंपनी का लेंगे उसका डाटा आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी रिकमेंड कर रही है। आजकल ट्राइवेलेंट पेसिफिकेशन ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, वो कितने ml/L डालने के लिए कंपनी बोल रही है उतना पानी में डालिए और उसको डिप कर दीजिए, जो भी आपका 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम कंपनी के अकॉर्डिंग होता है अलग अलग केमिकल्स का। और येलो पैसिवेशन में भी इस तरह आप डिप करके और उसको जो है सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर में अगर हम ड्राई करते हैं तो चलो बैठ जाती है। बाकी अगर आइटम बड़ा है तो उस पर आप जो है किसी पेडेस्टल फैन या कोई इस तरह का आप ओवन भी आते हैं बहुत से जो तेज एयर से और हॉट एयर होती है उससे पीस को स्पर्श हो जाता है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ करके देखिए, अगर इसमें कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है उसको मोबाइल पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो मैं केवल न्यू लर्नर्स के लिए डाल रहा हूँ जो इसको सीख रहे हैं, और अगर किसी को कोई इसमें समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। धन्यवाद।
नमस्कार।